आईफोन में इंस्टाग्राम पर फोटो एक्सेस कैसे दे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जी दोस्तों, आप जो है अगर अपने पास आईफोन रखे हुए हो और उस पर आप जो इंस्टा आईडी या फिर इंस्टा का अकाउंट चलाते हो, तो उस पर आप जो फ़ोटो पोस्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो वहाँ पर फ़ोटो का एक्सेस मांगता है। तो कैसे आप जो है फ़ोटो का जो एक्सेस उसको अनेबल करोगे और क्या होता है, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं आईफोन में इंस्टाग्राम पर फोटो एक्सेस कैसे देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा इंस्टाग्राम का ऐप है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने आईफोन पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ओपन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल का बटन दिखाई देता है, यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप मेरे को इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे तरीके का वीडियो पोस्ट करता हूँ इंस्टा अकाउंट पे भी, आप देख सकते हो मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे मैंने डाल रखा है। तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अब जो है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटो एक्सेस कैसे देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जब आप आ जाएंगे प्रोफाइल पे, उसी के बीच में आपको बटन दिखाई देगा प्लस वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रील वाला पेज यहाँ पे ओपन होता है, स्टोरी वाला। तो आपको यहाँ पे पोस्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको क्लियर यहाँ पे एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हुआ आ रहा है। प्लीज़ अलाउ एक्सेस टू योर फोटोज़ करके, और यहाँ पे एनेबल लाइब्रेरी एक्सेस करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर उसका मैं एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, क्योंकि ये YouTube का जो वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसका थंबनेल बनाने के लिए काम आएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए इस तरीके से आपको बताएगा प्रेस अलाउ, तो इंटर लाइब्रेरी एक्सेस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ये इंस्टाग्राम करके ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे परमिशन कैसे इनेबल करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। परमिशन तीन तरीके का रहेगा यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ोटो करके लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए तीन ऑप्शन दिया है, नॉन का, लिमिटेड एक्सेस, फुल एक्सेस, ठीक है। तीनों का मतलब बताऊंगा आगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करके बताया था, अब सेम चीज़ का जो ऑप्शन उसको हम कैसे और लाएंगे वो बता देता हूँ आपको। अगर इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करके वहाँ पे परमिशन वाले पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करके जो ऑप्शन आया था, वही ऑप्शन मैं आपको सेटिंग ऐप से कैसे लाते हैं बता देता हूँ। सेटिंग ऐप ओपन करेंगे आप, सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंस्टाग्राम करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है इंस्टाग्राम, इस तरीके से बहुत सारा ऐप का नाम बताएगा, तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, देखिए इसी तरीके से आया था, अब यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देना है। अब सेम ऑप्शन यहाँ से आ गया, सेटिंग से मैंने आपको बताया कैसे लाते हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉन है, लिमिटेड एक्सेस है, फुल एक्सेस है। नॉन का मतलब ये है कि दोस्तों कोई भी एक्सेस नहीं है, लिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है आप इसको करोगे तो आप जिस फोटो को सेलेक्ट करोगे वही जो है लिमिटेड ऑप्शन के थ्रू इंस्टाग्राम का जो पोस्ट वाला ऑप्शन है फोटो अपलोड करने के टाइम वहाँ पर आएगा। लिमिटेड मतलब आप सेलेक्ट जो करके रखेंगे फ़ोटो वही जो है वहाँ पर आपको शो करेगा, इंस्टाग्राम के ऐप पर एक्सेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जो फुल एक्सेस कर दोगे तो आपकी गैलरी का फुल एक्सेस मिल जाएगा, गैलरी पर जितना ही फोटो आपने खींच के रखा है या फिर आपकी गैलरी पर जितना ही फोटोज़ वगैरह होगा आपके आईफोन के अंदर वो सभी जो है आपका दिख जाएगा, अगर आप जो इंस्टाग्राम के ऐप में पोस्ट करने वाले रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फुल एक्सेस हम कर देंगे, और फुल एक्सेस करने के बाद इस तरीके से फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे अलाउ फुल एक्सेस कर देंगे, और ये हमने जो है इंस्टाग्राम का जो ऐप है उस पर फुल एक्सेस दे दिया है फ़ोटोज़ वगैरह को। अब अगर हम जो इंस्टाग्राम का ऐप ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम ओपन करेंगे, और अगर हम पोस्ट के लिए जाएँगे यहाँ से प्लस वाले बटन पर क्लिक करके, तो आपके आईफोन में जितना भी यहाँ पे वीडियोस होगा, अगर आप रील अपलोड करना चाहते हो तो वीडियोस यहाँ पे आपके आ जाएंगे, स्टोरी लगाना चाहते हो तो फोटोज़ यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। आपके आईफोन में जितना भी फ़ोटोज़ आपने क्लिक करके रखा होगा या फिर स्क्रीनशॉट जो भी रहेगा आपका, या किसी और से आपने फ़ोटो वगैरह लिया होगा, तो जितना भी फ़ोटो आपके गैलरी पर है उसको आप पोस्ट कर सकते हो। तो आपको ज़्यादातर जो है दोस्तों आप जो है फुल एक्सेस कर देना, इससे क्या है आपके जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगे वो सब आपका जो है यहाँ पर एनेबल होने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सब फोटोज़ है, अब यहाँ से जो फ़ोटो आपको पोस्ट करने हैं आप वहाँ से पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि आईफोन में इंस्टाग्राम पर जो है फ़ोटो को पोस्ट करते टाइम आप जो है जो एक्सेस मांगता है उसको एनेबल कैसे करोगे, फुल एक्सेस आपको कर देना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और कमाल की वीडियो के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों मेरा इंस्टा अकाउंट है उसको फॉलो ज़रूर करें। मैं लोगों को बार बार बोलता नहीं हूँ इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए, बस जो इंस्टाग्राम का टॉपिक नहीं बनता है ना, वीडियो बनाता हूँ तभी मैं आपको बोलता हूँ, बाकी वीडियोज़ में मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए नहीं बोला हुआ है। तो इंस्टाग्राम का वीडियो बनाया हूँ तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो,
क्योंकि इंस्टाग्राम वाले वीडियो आप देख रहे हो तो इंस्टा चलाते ही होगे, है ना। तो फॉलो करो इंस्टा आईडी पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करो। चलिए मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।